आप सब लोगों को मेरा विनय माथुर का नमन। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूं धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से। तंत्र मंत्र औषधीय जानकारियों के बारे में आपको बता रहा हूं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, कौवा अपने आप में एक प्राय ऐसा पक्षी माना गया है जिसे तंत्र में बहुत ज़्यादा रहस्यमय कहा गया है। और काक तंत्र नामक एक ग्रंथ है जिसे ऋषि मुनियों ने और प्राचीन तांत्रिकों ने पढ़ा भी है, और फिलहाल में वो तंत्र के क्षेत्र में विलुप्त हो चुका है, या फिर कहा जाए कि वो ग्रंथ अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जो किसी न किसी साधक के पास किसी न किसी रूप में मौजूद है। देखिए, कौवा एक श्रापित पक्षी है, ये तो हम सब जानते हैं। उस विषय में कभी किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हमें बात करना है कि कौवा हमारी समस्याओं को कैसे दूर कर सकता है। देखिए, यह तो हम सब जानते हैं कि कौवा पितृपक्ष से जुड़ा हुआ एक पक्षी माना जाता है, और कौवा और उल्लू दोनों तंत्र में बहुत ही विशेष स्थान पे माने गए हैं, और दोनों एक दूसरे के बहुत ही भयानक शत्रु माने गए हैं। तो एक इनके दोनों के पंखों को यदि साथ में रख दिया जाए तो वहाँ पर प्रचंड और भयंकर विद्वेषण हो जाता है। दो लोगों की लड़ाई करवाना हो तो यह प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कोई भी दुरुपयोग ना करे। देखिए, कहीं भी अगर कौवे बैठते हो किसी भी वृक्ष पे तो वहां जाकर आकस्मिक रूप से अगर कौवे का पंख टूट कर गिरा है, कई बार इन्हें सफेद पंख भी आते हैं, और यदि सफेद पंख मिल गया तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो गया। उस पंख को उठा लीजिए तुरंत, इससे पहले कि हवा से वो दूर उड़ जाए। प्रतीक्षा ना करें, उसे तुरंत उठा के और अपना भाग्य समझ लें कि मेरा भाग्य है जो मुझे ये प्राप्त हो गया। इतना करने के बाद में उस पंख को आप काले धागे से बांध लें नीचे की तरफ से, और ऊपर से पंख खुला रहने दें, या फिर उसे पचरंगी नाड़े से नीचे से बांध लें और ऊपर से खुला रहने दें, या फिर उसे लॉकेट की तरह ताबीज की तरह गले में व्यक्ति किसी भी एक अपने हिसाब से उसका ताबीज वगैरह मढ़वा कर गले में भी पहन सकता है। अगर चाहे तो उसे अपनी जेब में भी रख सकता है। देखिए, किसी भी कार्य को अगर आप करने जा रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल कार्य है, इंटरव्यू है, कहीं लड़ाई झगड़े सुलझाने जा रहे हैं किसी के, या किसी व्यक्ति को मनाने जा रहे हैं, रिश्ता तय करने जा रहे हैं किसी का, तो वहाँ पे इस पंख को अपने साथ में बिल्कुल लेकर जाएं। और जिन लोगों को कर्ज की समस्या है, उन लोगों के लिए तो ये वरदान स्वरूप है। काक तंत्र अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है, जिसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आगे और गुप्त जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको दे सकूँ, ऐसी मेरी इच्छा है, और आप लोगों से योगदान चाहता हूँ कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। देखिए, किसी भी कौवे या किसी भी पक्षी को कृपया मारे नहीं, किसी भी पशु पक्षी को कष्ट पहुँचाना अच्छा नहीं है। जय माता दी।